मैंने कह दिया ओ जो टिंगर है नी, अरे टिंगर है जगह थाना में कह दियो साहब भेज दिया है। तीन छोरा है, एक अपराधी है, अच्छा बिगड़ो, एक अशीसा कलियक के नाम है बिरो प्रोफेसर, और तीसरो ओ एम। हाँ हाँ है साहब है, सब ठीक हो जाए तो चंदू मस्त रहे। ठीक साहब, भूल जाइए झगड़ा यहाँ लिखना। वीडियो आपने सुन लिया होगा, ये कौन बोल रहे हैं, हमारे मंत्री, हमारे क्षेत्र के जो मंत्री हैं वो मंत्री साहब बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, यहाँ तक हाथ जोड़ रहा हूँ, लोग तो यहाँ तक जोड़ते हैं, मैं यहाँ तक जोड़ रहा हूँ। आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुने और देखें और लोगों तक शेयर करें ताकि पता लगे। आज बहुत ही ज्यादा दुख की खबर सुनाने वाला हूँ मैं। तीन चार दिन हो गए, काफी परेशान था। एक सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है दलित समाज की, जो मैं हमारी बहन मानो या उनकी किसी बाप की बेटी, किसी भाई की बहन, उनके साथ में हो जाता है बलात्कार। और बलात्कार करने वाले कौन है मेरे भाई, जो जनता को सुरक्षा करने के लिए जो पुलिस थाना होता है वही जवान है। वो क्या करते हैं, पहले बलात्कार करते हैं, बलात्कार करने के बाद में उसको मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं। मारने के बाद में उस जो गरीब का, जिस बाप की बेटी का मर्डर हुआ है, बलात्कार हुआ है, जिस भाई की बहन का मर्डर हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसको न्याय नहीं मिलता है। न्याय के लिए वो दौड़ते फिरते हैं तो कुछ उनको न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि पुलिस वाले थे और पुलिस के ऊपर मंत्रियों का हाथ होता है मेरे भाई। तो सबसे पहले युवा लड़के हैं, काफी टैलेंट है बोलने में, काफी बोलते रहते हैं, उनको भी सलाम है। तो वो भी पहुंच जाते हैं खाजूवाला क्षेत्र में धरना के लिए। धरने से काम बनेगा, ऐसे काम बनेगा नहीं, क्योंकि जो हमारे मंत्री हैं, मंत्री तो घर पे आराम से बैठे हैं। तो जैसे ही धरना के ऊपर लोग चले जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, भाई हमारे को न्याय दो, न्याय दो, हमारे दलित समाज की बहन के साथ में बलात्कार हुआ है और ऊपर मर्डर भी हो गया है, बलात्कार के बाद में मर्डर भी हो गया है। तो मेरे भाई जो तीन ही आदमी थे, दो पुलिस के जवान थे और उनके साथ में उनका दोस्त था, तीन बंदे थे बलात्कार करने वाले। और जैसे भी अबरार रोशन और उनके साथी खाजूवाला के अंदर धरना लगाते हैं तो उनको पता लगता है कि अबरार जी जो हैं अच्छे बोलते हैं, इनकी जो आजकल सोशल मीडिया के ट्रेंड चल रहा है तो इनकी आवाज़ बहुत ही जाएगी, ऊपर जाएगी, तो इसकी आवाज़ को दबोच देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जो अभी हमने, हमारे पास में वीडियो आया है, वीडियो में साफ साफ बोल रहे हैं, मंत्री के साथ में जाते हैं, मंत्री को बोलते हैं, मंत्री साहब हमारे पास अभी थोड़ा मामला गड़बड़ होने वाला है। तो मंत्री ने बोला कोई नहीं, ये तीन लड़के हैं, इन तीनों को ठिकाने लगाएंगे। लेकिन ये साफ साफ मंत्री खुद बोल रहे हैं, कोई तो बोल रहा है कि ये बीजेपी वालों का काम है, बीजेपी जीतने में ये कर रही है, और कोई बोल रहा है कि कांग्रेस का काम है। मेरे भाई किसी का काम नहीं है, सबसे पहले इस मंत्री का काम है जो हमने चुना है और हमारी जनता ने चुना है। मंत्री जो शिक्षा का पाठ पढ़ाना चाहिए वो मंत्री गुंडों का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो पुलिस अड्डे हैं खाजूवाला पूगल, वो गुंडों के अड्डे बन चुके हैं मेरे भाई। जैसे ही मंत्री खाजूवाला, जैसे ही मंत्री हमारे नोखा के अंदर यही मंत्री बने थे, दोबारा 5 साल के बाद में जनता के साथ में वो हाल किया था। आज अगर मंत्री वहां पे जाते हैं तो मंत्री का ये हाल करेंगे जो हद से ज्यादा। तो मेरे भाई हम भी पहचाने और गौर से, कोई परतो झंडा नहीं है, और जो मंत्री है इस मंत्री का भूत सवार हो गया है। मंत्री ये सोचता है कि मैं हमेशा के लिए मंत्री हूँ। मेरे भाई मंत्री बस अभी 2024 तक ही हो आप, और जो कुर्सी है उसकी कुर्सी को बांध ले ताकि वो इधर उधर हिले ना। तो मंत्री अभी जाने की तैयारी में है, और हाथ जोर से विनती करता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मंत्री तक जाए। और मंत्री से ये मैं बात करना चाहता हूँ, तीन लड़कों का नाम लिया, वो हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। तो तीन का जो नाम लिया, चौथा नाम मेरा भी शामिल कर दें, इमरान दैया नाम से हूँ मैं, और मैं आपके ही क्षेत्र का हूँ, मैंने भी आपको वोट दिया है, लेकिन आज हमें उस वोट पे पछतावा हो रहा है। आज वो हाल कर दिया है जो लोग सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। हमारे गाँव में अगर छोटी सी कोई बात होती थी तो गाँव वाले तुरंत उसको सलटा देते थे, लेकिन इतना बड़ा कांड आज तक नहीं हुआ है। जो नोखा के अंदर आपने करवाया है वही
खाजूवाला पुगल के अंदर आपने कर दिया है मेरे भाई, इससे ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारे पास में वीडियो आया हुआ है, आप गौर से इस वीडियो को सुने और आगे तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम एक ट्रक ड्राइवर हैं और हमारा कोई अता पता नहीं है और हम रोडों पे धक्के मार खाते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मंत्री को भी पता चले 2024 तक कैसे मंत्री बनते हैं। जनता ने मंत्री बनाया है, जनता ने वोट दिया है, मंत्री का काम है सेवा करना। जो जिस घर में बलात्कार हुआ है, उस बेटी के साथ में मर्डर हुआ है, उस घर में मंत्री को जाना था, दुख में शामिल होना था, मंत्री तो कहीं पे नजर भी नहीं आए, अंदर एसी चला के मजे से आराम कर रहे हैं। और ऊपर से जो फोन आ रहा है, चंदू तू आराम फरमा, हम ठीक करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो रिश्वत खाते हैं, उनको मंत्री साहब रिश्वत हफ्ता देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उसकी और जो चमचे हैं आज उनको बहुत ही बुरा लगा होगा, उनकी मिर्ची लगी होगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन चमचों तक पहुंचाएं जो मंत्री के चमचे हैं। हमें डर नहीं लगता है, हम किसी के दबाव में आके वीडियो नहीं बनाया है और हमें ना ही किसी ने कहा है कि ऐसा वीडियो बनाओ आप मंत्री के ऊपर। ओके, जय हिंद जय भारत।